Okay, everyone. Let's see what's the situation going on so far, and we have abdelmir Ahmadi. we have different people joining in. We have Tariq, we have Ahmad. so let's get started yeah situation at the uh, <sighs> uh Let's start with the Bitcoin thing. Uh, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को different tool share करूँगा. And what I will try to do is I will try to show you very premium version of trends, but is, which is a very expensive tool. But इसमें order blocks और heat maps भी नजर आते हैं. और तो आज की situation अगर हम देखते हैं तो सिचुएशन के बिटकॉइन लुक्स लाइक सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी मनिर और अब्दुल क्लियर है है ओके सो अगर बिटकॉइन को देखते एंड टू एंड सो हमने बात की थी फोर थ्री फोर रिट्रेसमेंट पे आया और रिट्रेसमेंट पे जाने के बाद ऊपर अगर हम देखें तो करने के बाद लुक्स लाइक like बहुत बड़ी ड्रैगन कैंडल बन गई है और अगर हम ड्रैगन कैंडल की बात करें इसका मतलब है ये नीचे तक आएगा वापस तो मोस्ट लाइकली हमें ये लग रहा है कि दिस डबल टॉप यहाँ से बना के डबल बॉटम बना के वापस जाएगा अगर डबल बॉटम नहीं बनाया उतर गया नीचे तो इसका मतलब है फिर नीचे तक आएगा पूरा सो वी विल सी के क्या zigzag मॉडलिंग होती है हम यहां से यू गए हम नीचे आए फोर थर्टी फोर पे डायरेक्ट ठीक है हम ऊपर गए प्रोबेबली हम यहां तक आएंगे अगर हम यहाँ तक आके बाउंस बैक हुए तो फिर हम ऊपर चला जाएंगे राइट यानी हमने रेटमेंट डब्ल्यू लिया लेकिन अगर हम नीचे आए तो फिर हम पूरा नीचे आएंगे और ट्रेंड जो है बियरिश मोड में चला जाएगा और लोग वैसे ही कह रहे हैं एज पर द न्यूज इट्स एन इलेक्शन ईयर तो हो सकता है कि कुड गो इन द बी मोड तो दो सिनेरियोज़ हैं या तो अगर हम यहाँ से यूं आते हैं तो नीचे होगा सो so, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लुकिंग एट कि हमें क्या फॉलो करना है तो ये लेवल इज लाइक टू बी वॉच्ड अपॉन या तो कहानी यहाँ से यूं जाएगी या तो कहानी देखो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान टोल्ड अफगानिस्तानी सर आप हिंदी उर्दू में बोल रहे थे because people were asking in Urdu. तो मैं थोड़ा सा बहुत सारे लोग यूएस से ज्वाइन करें स्पेशली सीनियर्स जो के Uh, करना चाहते हैं अच्छा अगर हम आते हैं ओ माय गॉड अच्छा अब आपको पिक्चर दिख रही है हीट मैप की दिस इज सच ए स्ट्रांग पिक्चर के पूरी मार्केट बेयर मोड में जा रही है एक तो ईरान एंड इसराइल का जो शुरू हो गया है वो अब यहाँ पे आप देखो डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा था लेट मी me... तो अगर मैं इस पे फिब्रोनाशी नाशी लगाता हूँ पेंट स्पर्ट ए न्यू एंड ए वेरी एक्सपेंसिव टूल जो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्लास के लिए बिकॉज इट्स अबाउट जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो बहुत एक्सपेंसिव है इसका जैसे ट्रेडिंग व्यू का भी प्रीमियम वर्जन बहुत एक्सपेंसिव है तो लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जिसको हमें गाइड करना पड़ता है अगर हम देखें गोल्ड को सो दिस इज गोइंग स्ट्रेट हमने देखा वन टू थ्री मैं पाथ ले लेता हूँ हमने देखा एक टच लिया दूसरा टच लिया तीसरा टच नहीं आया हवा में डबल टॉप बनाने की कोशिश की और यहाँ पे आके ट्रेंड टूट गया ठीक है अब ट्रेंड मोस्ट लाइकली जिस तरह ये ड्रैगन कैंडल थी जूम कि आपको ये लाइन दिख रही है सो पहला तो हमने देखा कि डबल टॉप टाइप की चीज बनने की कोशिश हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है डिसेंडिंग तो ऑर्डर की यहाँ पे एक चीज बन गई ठीक है फिर जो हमारी ट्रेंड लाइन थी फोर आवरली ट्रेंड लाइन है ये कोई छोटी ट्रेंड लाइन नहीं है पांच मिनट पंद्रह मिनट की सो so उसने ब्रेक हुआ और उसने बहुत ड्रैगन कैंडल मारी राइट अब यहाँ पे एक एरिया ऐसा बन गया कॉन्फ्लुएंस का जिससे हमें लग रहा है एक डबल टॉप बन जाएगा अच्छा ये एक चीज है जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लास्ट टाइम समबडी लाइक नूर सेड कि अगर फोर थर्टी फोर से पहले जंप कर जाए कोई चीज उसका मतलब है बोलिश ट्रेंड है जबकि मैंने यहाँ पे डाउटी सिचुएशन दी थी क्योंकि मेरे हिसाब से अगर फोर थर्टी फोर पे जाके बाउंस होता है तो फिर वो ऊपर जाएगा अगर फोर थर्टी फोर से पहले ही बाउंस हुआ है तो वो मोस्ट लाइकली फेक फेकेट होता है तो इस वक्त अगर मैं अपनी पोजिशन बताऊँ तो मैंने भी एक बुल का ट्रेड लिया है बट विद स्टॉप लॉस समेयर अराउंड हीयर ठीक है और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे स्टॉप लॉस फिट होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज मेरे हिसाब से अगर ये नीचे आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं फोर थर्टी फोर के ऊपर का कभी भी डबल टॉप नहीं लूंगा मोस्ट लाइकली ये डबल टॉप अगर इधर बनता ना जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बट मैं लोगों की भी चीज़ों को ओपनली टेस्ट करता हूँ बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको कौन क्या सिखा दे राइट सो वन शुड बी वेरी ओपन एंड पॉजिटिव और यही एक ग्रुप लर्निंग का बेनिफिट होता है तो मुझे था कि ये फोर थर्टी फोर नीचे है ये लाइनों फोर थर्टी फोर से ऊपर अगर हवा में बाउंस करता है ना तो ये यहाँ तक जाएगा फिर हम पोजीशन क्या लेंगे तो थोड़ा वॉच करो ये लेवल का वॉच नज़र आ जाएगा या तो चाहिए तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ऑर्डर ले लो क्योंकि अगर ये ऊपर गया ना तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा और अगर लेकिन रिवॉर्ड जो होगा हो 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 दस गुना होगा मतलब हो अगर सौ डॉलर में से दस डॉलर आया होते हैं 90 बनेंगे राइट ये वो सिचुएशन है बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का इंतजार करेंगे ना तो यहाँ पे जाके ब्रेक होगी देख रहे हो लेकिन अगर यहाँ रिवॉर्ड टू रिस्क ले शो लो, तो रिवॉर्ड सिर्फ इतना है और स्टॉप लॉस इतना है तो मैंने इसी सिचुएशन में अपने ही रूल को कभी कभार डिस्टर्ब किया लेकिन कैलकुलेटेड के साथ स्टॉप लॉस मेरा कट जाता है अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखो ये सिचुएशन है छोटे पे ये बहुत आइडियल डबल बॉटम है राइट जैसे मैं आपको दिखा रहा था तो कोई भी आदमी इसको डबल बॉटम बोलेगा ठीक है अब हम थोड़ा सा देखते हैं आर एस आई नहीं है तो इंडिकेटर्स में लगा लेता हूँ और हमने देखा ये सीधा आ गया बट तो ये डाइवर्जेंस आ रही है राइट right? अगर मैंने कहा ना एक भी थ्योरम है ना तो भी ब्लो आउट हो जाता है अकाउंट लेकिन अकाउंट ब्लो आउट से बचाने के लिए तो एक टेक्निक मुझे मिली है तो डाइवर्जेंस भी आ रही है तो हमारे कितने थ्योरम्स थे हमारे थ्योरम था फर्स्ट वाज डबल बॉटम मिल गया सब कहते हैं मिल गया क्या ना आप थम्स अप चैट पे लिखते हो मुझे कंफर्मेशन हो कि आर यू ऑल विद मी या मैं जल्दी जा रहा हूँ ठीक है डबल बॉटम मिल गया यस मिल गया ठीक है मैंने वहाँ लिख दिया चार्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ब्रेक हो गई यस सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया ट्रेंड लाइन का मैंने आपको दिखाया था यस बन गया जहाँ से बाउंसिंग हो रही थी वहां टकराना शुरू कर दिया राइट वो लोग जो नए हैं उनको मैं वापस से बता दूं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ मुझे सब फॉलो तो कर रहे हैं राइट मतलब मैं जल्दी नहीं जा रहा या मैं ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ जहां पर चीज टकरा के ऊपर जा रही थी अब यहां से टकरा के नीचे आई आप देखो ठीक है और ये एक और ट्रेंड लाइन बनना शुरू हो गई जो कि एंटीगोनल ट्रेबिंग लाइन की डायरेक्शन में आ गई ऑपोजिट के अच्छा बिटकॉइन और गोल्ड और यूएस फाइव हंड्रेड ये को रिलेटेड है अमूमन साथ में ऊपर नीचे होता है आपने देखा होगा राइट तो आपको डिसाइड करना है आप ट्रेंड लाइन कौन सी लोगे एक ये भी ट्रेंड लाइन है डब्ल्यूडी डब्ल्यू डी वैन को स्टडी करोगे ना जब डब्ल्यू डी वैन कहता है कि जितनी ज्योमेट्री बने ना पॉसिबली सबको देखो लेकिन नॉर्मल मैथमेटिशियंस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस में जाओगे ना तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाते हैं यानी दिमाग सुन हो जाता है फिर वो गलत ट्रेड लेता है बिकॉज आपका दिमाग थक गया तो उस वक्त वो कहते हैं द बेस्ट थिंग इज जब आपको लगे आपका दिमाग थक गया उस वक्त ट्रेड मत लेना बिकॉज कुछ भी समझ नहीं आएगा आपकी नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो गई और ये बहुत दिमाग का काम है जो लोग इसको बैटिंग की तरह लेते हैं

इस वक्त मॉर्निंग मार्केट है अमेरिका में सो लिक्विडिटी पीक पर होती है और आप लोग अपने दिन भर की जॉब्स और बिजनेसेस या कमिटमेंट्स या स्टडी के साथ रात को टाइम निकाल सकते हो कुछ बनना है बड़ा बनना है तो थोड़ा सा एक घंटा नींद कुर्बान करनी पड़ेगी अभी अच्छा मूव फॉरवर्ड तो ये एक ट्रेड आ गया जो कि फोर आवर का ट्रेड लग रहा है यहाँ से और तो हमने समझा और हमने देखा डाइवर्जेंस भी आ रही है ठीक है मैकडी भी डाइवर्जेंस दे रहा है और सब वैसे चल रहा है जैसे होना चाहिए तो हम लोग मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो है वो कोशिश uh, करके अगर लॉन्ग लेते हैं तो हम यहाँ से ऊपर तक जाएंगे और थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे तक लगा देंगे लेकिन अगर ये नीचे गिरता है मोस्ट लाइकली तो ये पे नीचे आएगा ठीक है तो ये गोल्ड की सिचुएशन होगी बेट बिटकॉइन की सिचुएशन हमने देखी ये भी लेकिन ये फोर थर्टी फोर पे आ चुका है दैट्स द ब्यूटी तो मोस्ट लाइकली ये डबल बॉटम बनाने के लिए आ रहा है और ये डबल बॉटम बना के ऊपर निकल जाएगा अगर ये डबल बॉटम बना के नहीं बनाता डबल बॉटम अगर ये यूं आता है तो फिर ये यहाँ तक आएगा यानी पुरानी सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा और देखो यहाँ लिक्विडिटी के लिए इंस्टीट्यूशन ऑर्डर लगा के बैठे हैं समझ रहे हो बात को तो फिर आप यहाँ तक सेल की कहानी ले सकते हो और अपना स्टॉप लॉस इस ड्रैगन कैंडल के ऊपर लगा दो तो समझो यहाँ पे कहीं एंटर हुए हैं तो स्टॉप लॉस ड्रैगन कैंडल के ऊपर हो गया ड्रैगन कैंडल जो होती है ना अगर वो वाकई सही ड्रैगन कैंडल है फेक आउट नहीं है तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन वहाँ पे लगे हुए थे और मैंने आपको समझाया था इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स क्या होते हैं इंस्टीट्यूशन जब बाय करता है तो मिलियंस बिलियंस ऑफ़ डॉलर की बाइंग करता है लेकिन फेक आउट क्या है मैं आपको समझाऊँ ये बड़ी कैंडल दिख रही है आपको अब इसके बाद आपको लगेगा नीचे तीन और रेड कैंडल्स बनेंगे जैसे यहाँ वन टू थ्री फोर तो ये देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सेल ऑर्डर लगा दिया इंस्टीट्यूट ने क्या किया स्टॉप लॉस काटा ऊपर तक ले गया तो टेक्निकली इसको फेक आउट कहते हैं तो ये मैंने देखा ना ये फेक आउट है ठीक है तो इसी तरह से यू नेवर नो कि लेकिन नॉर्मली डबल बॉटम बनेगा अगर डबल बॉटम नहीं बनता तो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अगर यहाँ ऑर्डर लगाया है ना तो उसका ऑर्डर हमारी आपकी तरह सौ डॉलर हज़ार डॉलर लाख डॉलर का नहीं है तो उसका ऑर्डर बहुत बड़ा है वो एक दफ़ा में फिल नहीं होगा वो ऊपर जाएगा रिटेलर्स को फेक आउट करेगा रिटेलर्स बाय में जाएंगे वो लिक्विडिटी खींचेगा वापस सेल मारेगा लिक्विडिटी टूटेगी रिटेलर्स की अब उनमें हिम्मत नहीं है वो हल्का सा नीचे ला के सबके स्टॉप लॉस फिर तोड़ेगा और जब स्टॉप लॉस लगाना ना तो यहाँ मत लगाना यहाँ कहीं लगाना जो आपको बड़ा दिखेगा आपके लिए मुश्किल होगा मगर यू कैन सर्वाइव गेट इट इफ़ द मार्केट बिहेव लाइक ह्यूमंस कैन वी गो विद गट फील कभी भी नहीं जाना गट फील्ड से बिकॉज मैंने आपको एक बात सिखाई है प्रिडिक करने जाओगे तो बैंड बच जाएगी डोंट ट्राई टू बिकम अ प्रर बी अ ट्रेंड अलोअर इसलिए मैंने कहा ये प्रोडिक्ट करोगे नीचे आए सेल में चले गए मैं करता हूँ कभी कभार और मैंने बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स किए हैं उससे जिससे मैं सीख रहा हूँ तो मैंने कहा ना ये मिस्टेक्स आपको करनी पड़ेंगी मगर कोशिश करना इतने पैसे पे मिस्टेक करना जो बर्दाश्त हो जाए बिकॉज मिस्टेक के बगैर नहीं सीख सकते हैं राइट right? मैं जो सिखा रहा हूँ ये लाइव मैंटॉरशिप है अपनी तारीफ नहीं कर रहा अलहमदिल्ला लेकिन अगर इस तरह का मैंटोर मुझे मिलता तो बहुत गलतियाँ मैं नहीं करता जो मुझसे हुई मगर गलतियाँ करने के बाद थोड़ी सी एक गट फील बन जाती है कि इंस्टिंक्ट बन जाती है गट फील और इंस्टिंक्ट में बड़ा फ़र्क है यार ये मैंने पहले भी गलती की है तो थोड़ा सा इंसान रुक जाता है और कभी कैसे खहरा चल रहे हैं बोलियो ना सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपने क्या लर्न किया और मसला यही है मैं डेमो ट्रेडिंग आपको बोलूँ ना डेमो ट्रेडिंग कुछ सिखाती ही नहीं है क्योंकि इमोशंस तो लगे ही नहीं होते ना जो इमोशन्स नहीं लगेंगे तो कैसे सीखोगे राइट है दिस इज़ द वे टू लिव लाइफ थोड़ा सा ट्रेंड स्पाइडर को मैं ओके okay. यूएस 500 फाइव हंड्रेड देखते हैं कॉइन भी देखते हैं coin में क्या हो इज समथिंग बट कोइन की तरह कोइन भी जैसे Binance है वैसे अब यहाँ तो हालत खराब लग रही है रीडिंग हो रही है यहाँ से यहाँ गया डबल टॉप बनाया इसने फिर बूम नीचे आया ड्रैगन कैंडल उछली वापस नीचे आया लोगों को लगा डबल बॉटम मोंगे नीचे तक लेकर आया फिर वापस डबल बॉटम तो बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है मार्केट का और कैंडल uh, उल्टा प्लॉट इसमें लगाई भी जाए यहां से यहां पर बुरानासी फोर नाइन्टी फोर से बाउंस किया लेकिन ऊपर तक नहीं आया फिर तो वापस फोर नाइन्टी फोर पे गया डबल बॉटम बना के बिल्कुल नीचे आई देख रहे हो ये आइडियल सिचुएशन अगर मैं आपको समझाऊं तो जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर वो कैंडल बिटकॉइन या गोल्ड वाली डबल बॉटम देखिए डबल बॉटम बन रहा डबल बॉटम नहीं बनाती तो वो बिल्कुल नीचे तक जाती है राइट और अमूमन वहाँ तक जाती है जहाँ से गेम शुरू हुआ था आपके पास एक बहुत बड़ी सेल की अपॉर्चुनिटी है ठीक है अभी देखते हैं यूएस एस पी एक्स का क्या हाल है जिसको कहते हैं अमेरिका की पांच सौ टॉप कंपनीज क्या कर रही हैं वो भी यही फॉलो कर रही है क्योंकि अगर हम ये लेते हैं अब तो ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है अगर ये ट्रेंड बनाते हैं तो ये ब्रेक हो गया लग रहा है देख रहे हो वन टू थ्री फोर ये ब्रेक होके नीचे गया लेकिन ये नीचे आया नहीं वापस बाउंस हुआ यहाँ से और ऊपर तक चला गया लेकिन ऊपर यानी ये जीरो थ्री फोर फोर से पहले का बाउंस है ठीक है तो यहाँ ये थ्योरम वैलिड आ गया कि डबल टॉप अगर डबल बॉटम अगर जीरो थ्री फोर फोर अब इसको अगर मैं आपको वन आर पे दिखाऊं आपको डबल बॉटम बहुत अच्छा दिखेगा ठीक है एक दो ठीक है डबल बॉटम था ट्रिपल बॉटम था एक्चुअली और इसको अगर आप देखोगे ना तो इसमें डाइवर्जेंस भी होगा ये सीधा है जबकि आर एस आई ऊपर जा रहा है और मैक डी भी जो है थोड़ा सा आउट हो गया क्या वजह मैग डी क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है क्लोज ब्राइट हो गया है करंट हो गया है एक्स्टोग्राम अगर हटा देते हैं हम क्लियरिटी आ जाएगी शायद ठीक है तो इसमें देखो डबल बॉटम था अपना ये सीधा था डाइवर्जेंस क्या होती है प्राइस सीधी जा रही है या ऊपर जा रही है और आर और मैगडी अलग डायरेक्शन ले रहा है मैगडी ऊपर जा रहा है प्राइस स्टेगनेंट है आर एस आई भी स्टेगनेंट है यानी एम का एरिया है ये आ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग हुई और हमने देखा ये ऊपर गया तो मोस्ट लाइकली एस पी एक्स ऊपर गया ना अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ अगर बिटकॉइन गोल्ड और एस पी एक्स ये तीनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं कभी कभार एक मूव पहले किसी में दिख जाती है अगर एस पी वाई में मूव दिख गई है ना इसका मतलब है मोस्ट लाइकली गोल्ड भी अब मूव ऊपर करेगा क्योंकि तो गोल्ड का भी स्ट्रक्चर यही है ठीक है डबल बॉटम बनी लंबी कैंडल करके अब हमें कंफ्यूजन है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा लेकिन मोस्ट लाइकली अगर एस पी वाई ऊपर तक आया था ना और अगर एस पी वाई यहाँ पहुंच गया है जबकि गोल्ड इधर है तो मोस्ट या तो एस पी वाई भी फॉल करेगा और वो फॉल करेगा तो बहुत बुरा फॉल करेगा नीचे आएगा तो आप शॉर्ट में चले जाना तो ये मैं आपको तीसरा सिग्नल दे रहा हूँ कि ये अगर फॉल करता है यहाँ तक आता है तो आप इसको बना देना स्टॉप लॉस और फोर थर्टी फोर तक खींच लेना प्रॉफिट तो ये बात क्या बनेगी मैं आपको बताता हूँ यहाँ आया डबल बॉटम आया ये अगर ऊपर निकला तो ये उड़ेगा फ्लाई और फिर सब फ्लाई करेगा बिटकॉइन भी फ्लाई करेगा गोल्ड भी फ्लाई करेगा लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर ये यहाँ तक आएगा तो आप यहाँ से लेके कर यहाँ तक तो इन्जॉय कर सकते हो टेन एक्स के लेवरेज पे आपके पैसे डबल भी हो जाएंगे ज़्यादा भी हो जाएंगे ठीक है लेकिन स्टॉप लॉस टेन परसेंट से ऊपर मत रखना ठीक है क्योंकि कभी कभार ट्रेड यहाँ आके वापस तोड़ के स्टॉप लॉस तोड़ सकती है राइट और अगर यहाँ तक आया तो पार्टी करो डबल करो पैसे ठीक है और सो वन एस पी वाई ने हमें सिखाया uh, ये फाइव मिनट पे देखते हैं क्या सिचुएशन हो रही है छोटा uh, हो जाता है टाइम फ्रेम पर्पल बॉक्स बनाया था वो पर्पल बॉक्स बार बार गायब क्यों हो जाता है एयरपोर्ट बॉक्स लेकिन सिचुएशन कंफ्यूज है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सुबह तक या एक दो घंटे में आपको पता चलेगा इफ दिस गोज अप राइट करो ऊपर तक नीचे आता है तो नीचे तक राइट करो जैसे हमने बात की ठीक है तो मैंने दोनों सिचुएशन आपको दे दिए मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा क्योंकि एस पी वाई ऊपर गया और बिटकॉइन भी डबल बॉटम यहाँ बनाने के बाद उड़ेगा सो दिस इज हुआ, ऊपर गया डबल टैप टेस्ट किया थोड़ा सा नीचे आने देना यहाँ पे आते हुए मत घुस जाना जब टक्कर मार के ऊपर जाए ना तब इन होना ठीक है ये ना आप right. यहाँ पे इन होते हो इधर स्टॉप लॉस लगाना और इधर टेक प्रॉफिट लगा देना इधर क्योंकि दो लेवल है देख रहे हो ये हिडन लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको पेट सॉफ्टवेयर से जो आपको नॉर्मली नजर नहीं आता यहाँ इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है और यहाँ इंस्टीट्यूशन बैठा है घात लगा के सो दिस इज लायन नहीं है हेड ऑफ लायन है राइट right? वो यहाँ से बाय भी कर सकता है और यहाँ से सेल भी कर सकता है तो आपको थोड़ा सा वॉच करना है कि आप यहाँ तक की एंट्री अगर लेते हो ना तो ये ना हो कि वो यहाँ से मार्केट घुमा दे जैसे हमने सुबह याद है सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लर्न के इंस्टीट्यूशन एंटर हो गया और मैंने आपको लास्ट मिनट पे बताया कि गोल्ड का सिग्नल रिवर्स हुआ है और आप में से जितने लोगों ने रिवर्स किया उनको प्रॉफिट मिला राइट right. तो कभी कभार स्ट्रक्चर मैंने बताया ना देखो ये कैंडल जो थी राइट right? कहाँ बताई थी मैंने ये कैंडल ये प्लैंड कैंडल नहीं थी ठीक है ये कैंडल इट थी ये इंस्टीट्यूशन ने खाली डराने के लिए क्रिएट की थी तो हम जो यहाँ पे बाय का ऑर्डर ले चुके थे इधर इंस्टीट्यूशन ने डराया इतना नीचे लाके हमारा स्टॉप लॉस इधर भी होता ना तो टूट गया होता क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ तक लाया था लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता तो हम फ्लाई करते तो हमारा प्रडिक्शन सही था परसों का लेकिन कभी कभार इंस्टीट्यूशन ये

बट एस पी वाई जो है या यूएस फाइव हंड्रेड जो है वो टच कर चुका है तो डॉजी बनने की कोशिश हो रही है ये भी हो सकता है कि बिल्कुल नीचे आके गिरे नीचे आके गिरेगा तो शॉर्ट पोजिशन और अगर यहाँ तक आ गया बुल कैंडल बना के जो कि एक दो घंटे में पता चल जाएगी चार घंटे में आपको पता चल जाएगी सो अगर बुल हो गया तो फिर सब उड़ेगा तो आपको ये पता है कि अगर ये बुल होता है ना और अगर ये इस लेवल पर आता है तो बिटकॉइन और ये दोनों यहां तक का फासला तय करेगा आपके लिए इतनी बड़ी ऑपरचुनिटी है मैं ग्राफ बना रहा हूँ इतनी बड़ी ऑपरचुनिटी है समझे और स्टॉप लॉस कितना है खाली इतना सा है तो ये वन इज टू फाइव सिक्स तो होगा हो ही होगा और सेम फिर आपके लिए इसकी सिचुएशन है ये इतना स्टॉप लॉस है इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होगा यहाँ तक आएगा ठीक है गाइस सो इन ट्रेड्स किसी को कोई सवाल पूछना है ओके थैंक यू वेरी मच गुड लक स्टे ब्लेस्ड रिमेंबर इन पेड़ थैंक यू